हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं कि इंडिया के जो टॉप के ब्रोकरेजेस हैं मोस्टली जीरोधा और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो फ्रंट या फिर फर्स्ट प्लेस मोस्टली शेयर करते हैं, तो उनका ब्रोकरेज और जो डिस्काउंट ब्रोकरेज भी है और फुल फ्लेज ब्रोकरेज भी है, दोनों का एक ब्रोकरेज लेके ब्रोकरेज चार्जेस जो लगाते हैं उसका कंपेयर हम अमेरिका के मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के जो टॉप के ब्रोकरेजेस हैं या फिर ब्रोकरेज हाउस हैं उनके ब्रोकरेज चार्जेस से कंपेयर करके एक अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली ये एक रफ कंपैरिजन है, उनके बहुत सारे लॉज अलग है, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह सब बहुत अलग है, तो जैसे जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता चल रही है। तो एक ओवरऑल एस्टिमेट पर ट्रेड या फिर पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने चार्जेस होते हैं, तो वो आने के लिए मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको एक ऑफिशियल या फिर एडवाइस काइंड ऑफ मत समझिए, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ। तो ये जीरोधा का आप लोग तो जानते हैं, बहुत सारे जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं वो जीरोधा के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मोस्टली नंबर कुछ पैरामीटर्स में नंबर वन पे आ गए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पहले। तो इसका तो बहुत लोगों को पता है कि इनका डिलीवरी का जो चार्ज है वो जीरो चार्ज है, डिलीवरी में ये चार्ज नहीं करते बीएससी और एनएससी पे बाय करने पे शेयर वगैरह, मगर इनका जो 20 रुपी चार्ज है वो इक्विटी और एफएनओ ट्रेड के लिए पर ट्रेड बाइंग या फिर सेलिंग इंडिविजुअली पर ट्रेड 20 रुपीज लेते हैं, तो ये बहुत ही कम है। उसमें भी 20 रुपीज और 0.01% इसमें से जो भी लो है वो इक्विटी ट्रेड्स के लिए इंट्रा ट्रेड्स के लिए लगाया जाता है, तो ये बहुत ही कम है एक्चुअली। मतलब इसके वजह से बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करना बहुत इजीली पॉसिबल होता है। और दूसरा मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का वेबसाइट से है, तो इसके दो प्लान है, आई सिक्योर और आई समथिंग कुछ तो है। तो ऐसे दो प्लान में से एक टेंटेटिव बेसिक आइडिया आने के लिए अगर हम कंसिडर करें तो इनका जो ब्रोकरेज है वो 0.55 की रेंज में ही रहता है। तो इनका एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ब्रोकरेज है, मतलब 6,364 रुपये तक के अमाउंट के अगर स्टॉक आप खरीदते हैं तो और वो 10 रुपये से ज़्यादा है तो आइदर 35 रुपये या फिर 2.5% इसमें से जो भी कम होगा वो लगेगा। तो इसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मैंने किया है कि इनका इक्विटी में मोस्टली 0.55 के आसपास जाता है, और अगर आपका टर्नओवर क्रोर्स में जाता है 5 करोड़ 10 करोड़ तो वो परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जाता है, और मार्जिन एंड मार्जिन प्लस जो इंट्राडे है उसके अंदर 0.05-0.04% है जो कि लगभग 25 से 30 रुपये कुछ आता है पर ट्रेड। ओके, तो एक रेंज समझने की इनपुट ज़रूरत है। तो जीरोधा का 20 रुपीज़ है और आईसीआईसीआई का जो है वो 30-40 रुपीज़ पर ट्रेड या फिर अप टू सर्टन जनरल जो रिटेल ट्रेडर्स की अमाउंट रहती है तो वहाँ तक पकड़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इंडियन जो टॉप के ब्रोकर्स हैं उनके ब्रोकरेज चार्जेस। ओके, डिटेल में चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अमेरिका का नंबर वन ब्रोकरेज हाउस है जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में अलाउ करता है, प्लस वो एक बैंकिंग सेक्टर में भी है, ये टॉप बैंकर्स में से एक है, तो इसका नाम है चार्ल्स श्वाब। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। तो चार्ल्स श्वाब इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है, और साथ में इनको अगर ये ऑफिशियल तो कोई रैंकिंग नहीं है कि नंबर वन है करके, मगर टॉप का ब्रोकर है अमेरिका का। इसके साथ में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ई ट्रेड है, उसके बाद वैनगार्ड ट्रेडिंग है, तो ये टॉप के 3-4 हैं। तो उनका पहले मैं चार्ल्स श्वाब का दिखा देता हूँ, तो मोस्टली इसके सिमिलर ही बाकी के। यहाँ पे खासियत ये है कि अगर आपका यूएस अकाउंट है, मतलब यूएस का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपको मिनिमम अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कुछ जो ब्रोकिंग ये रहते हैं ब्रोकर्स रहते हैं वो मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। जैसे वैनगार्ड का अमेरिका में एक है, तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर जो वैनगार्ड की ETFs से वगैरह ऐसे हैं तो उनका पर्टिकुलर मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है, या तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये चार्ल्स श्वाब का है जिसके अंदर स्टॉक अगर आप ट्रेड करते हैं तो लगभग $4.95, मतलब लगभग $5 ऑनलाइन ट्रेड्स के लिए, जो कि इंडिया में अगर हम 70 रुपीज़ के कन्वर्जन के हिसाब से देखते हैं तो 350 रुपये पर ट्रेड वो पड़ता है। उसके बाद में अगर अमेरिका में बहुत सारे ETFs है, एक्चुअली इंडिया में इतने ETFs ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुए, अमेरिका में ETF का चलन बहुत ज़्यादा है और उनका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, उनके बड़े बड़े स्टॉक के ऐसे इंडिविजुअल ETFs भी आते हैं,
तो अगर ETF में ट्रेड करते हैं तो सेम 350 रुपीज के करीब आता है पर ट्रेड। और अगर आप ब्रोकर असिस्टेड ट्रेड लेते हैं तो फिर जैसे कि जीरोधा में अगर आप ऐसा ब्रोकर को कॉल करके या फिर ब्रोकर असिस्टेड ट्रेड लेते हैं तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। तो ये वहाँ पे $25 है। इट इज़ रियली ह्यूज एक्चुअली कंपेयर टू इंडियन ब्रोकरेज और चार्जेस। ओके, तो 350 रुपये ट्रेड के और लगभग 1000 रुपये से भी ज़्यादा, 1000 रुपये नहीं, 2 से 2500 रुपये आपको ब्रोकरेज असिस्टेड चार्ज के लिए एक्स्ट्रा, मतलब $25 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ी तो $0 है, और अगर ब्रोकर असिस्टेड शॉर्ट टर्म रिडेम्पशन फ़ी उसमें $50 तक का है ऑफशोर म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है और इंडियन पैराडाइम में उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके रूल्स और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अलग है। तो एक रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ऑप्शंस में सेम स्टॉक जैसा है $5 के करीब है, और 0.65 अगर बाय टू क्लोज करते हैं आप ट्रेड, मतलब उसी दिन क्लोज कर रहे हैं इंट्राडे काइंड ऑफ, तो $0.65 पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि लगभग आधा डॉलर के करीब 35 से 40 रुपए एक्स्ट्रा उसमें पे करने पड़ते हैं। और ब्रोकर असिस्टेड में चार्ल्स श्वाब में $25 एक्स्ट्रा लगते हैं। और बॉन्ड अगर आप बाय करते हैं तो पर बॉन्ड आपको $1 में मिल जाता है। वैसे मिनिमम आपको 10 यूनिट ऑफ बॉन्ड बाय करने पड़ते हैं। और प्रेफर स्टॉक REITs, रियल इस्टेट जो ट्रस्ट होते हैं, तो उसमें 4.5 लगभग, वो भी $5 के करीब आता है। तो और एक इनका एक ऑफर काइंड ऑफ है कि अगर आप इनका जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, ओके, इनका जो प्लेटफॉर्म है श्वाब ETF वन सोर्स, तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है, $0 लगता है। उसमें जो भी ETF है या फिर जो भी स्टॉक्स उसमें इंक्लूडेड है उसके ट्रेडिंग के लिए आपको अलग से चार्जेस नहीं लगते। तो ये एक दूसरा साइट है जहाँ पे चार्ल्स श्वाब ने उनकी वेबसाइट पे कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्राइसिंग उन्होंने बताया कि लगभग $5 फॉर ऑनलाइन इक्विटी ट्रेड और ऑप्शंस पर कॉन्ट्रैक्टेड $0.65 लगते हैं। और इन्होंने कंपेयर किया हुआ है ये चार्ल्स श्वाब के रेट से, ये ई ट्रेड के, उसके बाद ये फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के, और ये TD ameritrade के। तो सब में $5 फॉर स्टॉक ट्रेडिंग श्वाब का है, ई ट्रेड का लगभग $7 है, फिडेलिटी का भी सेम $5 है लगभग, और TD ameritrade का लगभग $7 है। मतलब $5 से लेकर $7 तक ऑनलाइन इक्विटी ट्रेड के लिए, और ऑप्शंस में सबका मोस्टली 0.65 टू 0.75 पर कॉन्ट्रैक्ट प्लस बेस कमीशन है। तो बेस कमीशन मैंने ढूंढने की कोशिश की है, कहीं पर मुझे मिला नहीं मेंशन। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का लगभग $1.50 से $2.50 तक पड़ता है अमेरिका में ट्रेडिंग का। और इनका चार्ल्स श्वाब का एक ऑफर भी है कि ये एक गारंटी क्लॉज के साथ देते हैं, इनका एक खासियत है जो बाकी तीनों चारों में नहीं है, वैनगार्ड में भी ऐसा नहीं दिखा मुझे। तो इसके अंदर क्या, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पैसे पूरे वापस कर देते हैं जो भी आपने स्पेंड किए, और वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडिया में भी आना चाहिए, एक्चुअली इट्स अ गुड डेवलपमेंट। ओके, तो और लो इंटरेस्ट रेट पे मार्जिन बोरोविंग भी, ये बोरोविंग एक्चुअली जो इंडिया में लेवरेज है वैसा वो नहीं है, तो ये अलग कंसेप्ट है। इसमें आपको आपके स्टॉक प्लेज करके पैसे मिलते हैं, जो कि जीरोधा में कुछ फैसिलिटी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो वैसा अमेरिका में बाइंग के लिए भी है। और कुछ चेंज इसमें रहेंगे तो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा मैंने अगले सेक्शंस में। तो ये एक ओवरऑल रफ आइडिया देने के लिए आपको मैंने एपिसोड बनाया था कि कंपेयर टू इंडिया का ब्रोकरेज, एक्चुअली इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते कि अमेरिका का जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा है, मतलब 350-400 रुपये जो लेते हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो अर्निंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इवन हमारा डॉलर उनके 70 टाइम, उनका डॉलर 70 टाइम्स महंगा है रुपीज से। तो और जो प्राइस पैरिटी जो कंसेप्ट होता है कि कन्वर्जन रुपीज़ का कैलकुलेशन के टाइम पकड़ते हैं, तो वो हिसाब से भी ये एक्चुअली इतना भी ज़्यादा नहीं लगता है अगर वहाँ की अर्निंग के हिसाब से डॉलर्स में देखा जाए तो। ओके, तो ये ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने एक एपिसोड बनाया था। ओके, मेरे और भी वीडियोज़ हैं अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने बनाए हुए, मेरे चैनल पे नेम पे क्लिक करके वीडियोज़ में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिल सकता है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।